हमसाया मुल्क भारत के अजीत डोवल के मोदी साहब की हुकूमत में मुसलसल तीसरी मर्तबा इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो बनाया गया है। अजीत डोवल उनको स्पाई मास्टर कहा जाता है भारत का, भारत के लिए एक एसेट है, भारत के लिए, हमारे लिए तो ऑब्वियसली खतरा है लेकिन भारत के लिए एसेट है। नमस्कार, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। लगातार तीसरी बार अजीत डोवाल को ही एनएसए चीफ बनाए जाने के बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया है, क्योंकि अजीत डोवाल पाकिस्तान को अच्छी तरीके से समझते हैं और पाकिस्तान में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उनमें एनएसए अजीत डोवाल ने अहम भूमिका निभाई है। अब अजीत डोवाल को पुनः एनएसए चीफ बनाया गया है तो पाकिस्तान की सांसें अटक चुकी हैं और पाकिस्तान की नेशनल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कहना है पाकिस्तान का और पाकिस्तान आखिर क्यों घबराया हुआ है। ये मुसलसल तीसरी मर्तबा मोदी साहब ने अपना कॉन्फिडेंस शो किया है अजीत डोवाल साहब पे, क्या रीजंस हैं? अजीत डोवाल साहब बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और दोनों अपना जो है हिंदुत्व पे यकीन भी रखते हैं, जो आइडियोलॉजी आरएसएस की या बीजेपी की, तो और फिर बड़ा तजुर्बा है अजीत डोवाल साहब का। डोवाल साहब जो हैं बुनियादी तौर पे तो इनका जो इंडियन पुलिस सर्विस है उनसे उससे ताल्लुक़ है और बहुत इम्पोर्टेंट जगहों पे इन्होंने सर्व किया। पाकिस्तान ने भी तकरीबन एक साल अंडर कवर रहे, छः साल यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन में भी इन्होंने काम किया, सही, फिर लंदन में भी ये काम किया, वहाँ पे भी एज मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने काम किया। तो अजीत डोवाल उनको स्पाई मास्टर कहा जाता है भारत का, तो उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत से इशूज़ में और राइटली सो। उनकी एज इस वक्त तकरीबन आपके लिए 79 ईयर्स हो गई है, और अब भारत का जो मीडिया अगर आप पढ़िए तो उसमें बहुत सी चिमगोयाँ हो रही हैं कि आया मोदी डोवाल साहब कितने अरसे तक रहेंगे, क्योंकि एक अनरिटन आप कह लीजिए प्रैक्टिस है भारत में मोदी साहब के आने के बाद कि 75 के बाद फिर आप यह है कि घर चले जाएं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। जिस तरह मोदी साहब ने एलके अडवाणी साहब को घर भिजवा दिया कि बस आप 75 साल के हो गए हैं, अब आप ही हमें आप घर बैठिए हमें एडवाइस कीजिए, लेकिन अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आपकी अब जगह नहीं बनती। तो अब चूँकि मोदी ने डोवाल साहब की उम्र जो है वो अब 79 की है, तो अब ये तीसरी बार इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया है। और इंटरेस्टिंगली जो टर्म डिफाइन नहीं की, जो भी इन्होंने नोटिफिकेशन इनका इशू हुआ है कि ये कितने अरसे तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहेंगे, उसमें ये कहा गया है जब तक मोदी साहब को टर्मिनस, मोदी साहब के जब हैं प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त तक डोवाल साहब भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इससे आप ये भी इन्फर कर सकती हैं कि शायद मोदी साहब भी पूरे 5 साल ना निकाल सकें, क्योंकि मोदी साहब भी 2 साल के बाद 75 के हो जाएंगे, सही, तो ये भी मुमकिन है क्योंकि आरएसएस और मोदी साहब के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। आरएसएस का ख्याल ये है कि जो इस बार इंतखाबात हुए हैं और जो एक जवाल आया है मोदी बीजेपी को, अगर 2019 में 303 सीटें मिली थीं तो इस बार 240 रह गई हैं, तो इसकी जो असल वजह है वो है मोदी साहब का जो एरोगेंस है, जो हुबरिस है उनकी, उसने बहुत डैमेज किया है। तो शायद ये हो कि जी हमें 2.5 साल के बाद फिर मोदी साहब से रिक्वेस्ट करें कि आप स्टेप डाउन हो जाएं और अपनी जगह किसी ऐसे बंदे को ले आएं, क्योंकि 2029 में अगर हम दोबारा इंतखाबात में जाएंगे तो बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा होना चाहिए, ऐसा शख्स जो कि आवाम के साथ भी जाए। तो मुमकिन है कि 2.5 साल के बाद हम कुछ तब्दीली भारत में देखें और अजीत डोवाल साहब भी उसी चक्कर में मोदी साहब के साथ चले जाएं। मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा लेकिन एक असेसमेंट है, असेसमेंट गलत भी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि अजीत डोवाल साहब क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? अजीत डोवाल साहब इस वक्त, मैं पहले भी शायद मैंने कहीं कहा है कि जो लोग भारत का सिस्टम समझते हैं,
जो इस वक्त ख़ास तौर पे कुछ हो रहा है उसमें अजीत दोवल की बड़ी अहम प्लेस एक पोजीशन है। एक तो ये है कि वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ सर्व भी किया, जैसा मैंने पहले कहा, अच्छे 7 साल यहाँ पर रहे हैं और वो कश्मीर को भी जानते हैं और उनका ही दिया हुआ है ये ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन, और ये उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने से पहले का। उसके बाद उन्होंने उस पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। कश्मीर में जितनी भी आप डेवलपमेंट्स देख रही हैं 2014 से अब तक, वो भी एक लिहाज से उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। अब इंटरेस्टिंगली मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि शायद 2-2.5 साल के बाद ये स्टेप डाउन कर जाएं, इसकी एक वजह ये भी है कि हमने देखा है कि इस दफ़े जो ही अजीत दोवल साहब ने अपना चार्ज संभाला तीसरी बार एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसके फौरी बाद ही उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ऑफिस है, उसको रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। और ये हमेशा से ये रहा है मुंतहा कि इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के दरमियान एक लिहाज से आप कह लीजिए कंपटीशन रहा है कि मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने। क्वेश्चन यही है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो जो ये हैं अपने अजीत दोवल साहब, इनका एक बड़ा अहम रोल तो रहा है मोदी साहब के ज़माने में, जैसा मैंने पहले कहा पाकिस्तान के बात अगर हो उसमें उनका बड़ा अहम रोल है, इसी तरह बालाकोट में जो कुछ हुआ उसमें भी इनका एक अहम रोल था, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वो कहते हैं हमने की उसमें उनका बड़ा अहम रोल, खालिस्तान का जो मामला, खालिस्तान के इशू में भी, आपने सही याद दिलाया, खालिस्तान के इशू में भी इनका बड़ा हाथ है। और ये भी एक वजह बन सकती है कि जूं जूं ये खास तौर पर जो पनन का मामला है उसमें, क्योंकि हाई लेवल जो हमने अपने पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक हाई लेवल कमेटी तो बनी हुई है जिसको लीड अजीत दोवल ही कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि इनकी जो फाइंडिंग्स हैं कंक्लूजन्स हैं उनसे अमेरिका इत्तेफाक ना करे, मामलात मजीद आगे चलें, तो उस एम्बैरेसमेंट को उस बचने के कवर अप करने के लिए स्टेप डाउन कर जाए किसी तौर। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके तहत लोग, भारतीय जो तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद अजीत दोवल साहब 2-2.5 साल के अरसे के बाद थोड़ा सा इसको रीऑर्गेनाइज कर लेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर जब 80 साल 81 साल के हो जाएंगे, लेकिन ही अभी भी बहुत फिट हैं, क्योंकि मुझे खुद उनसे कई मुलाकातें करने का मौका मिला है, लेकिन इन मुलाकातों को भी अब तकरीबन यू नो 6-7 साल तो हो गए हैं, लेकिन जिस ज़माने में इनको मिलता रहा हूँ उस ज़माने में तो बड़े फिट थे, बड़े बड़े मतलब चाको चौबंद हर हवाले से, और धीमे मिजाज के हैं शख्स, आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाले, लेकिन ये है कि भारत को भारत के लिए एक एसेट है, भारत के लिए, हमारे लिए तो ऑब्वियसली ख़तरा है लेकिन भारत के लिए एसेट हैं, और भारत ने मोदी सरकार ने अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए उनका सही इस्तेमाल भी किया है। तो दोस्तों आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से अजीत डोभाल को भारत का NSA चीफ बनाए जाने से बौखलाया हुआ है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।